वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और हैप्पी मकर संक्रांति आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे हैं? तो चलिए, मैं न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। तो आज है पीठा मिठाई वगैरह बनाने की दिन। तिल गुड़ तो खाते हैं हर कोई, आज तो है मकर संक्रांति। तो नहाना धोना खाना पीना पूजा पाठ ये तो होता ही है। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ जो बंगाली का जो होते हैं जो पीठा पुली, वही मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इसके लिए तो मुझे किचन पे जाना होगा। तो पहले सबसे पहले ब्लैक टी पीऊँगी, उसके बाद में मैं रेसिपी को शुरू करूँगी। कल रात को मैंने नारियल का जो होता है ना उसको कोड़ के रख दिया है, तो मैंने नहीं किया, सॉरी मेरी बेटी ने करके रखी हुई है। तो आसान हो जाती है सुबह तो पीठा उठा बनाने के लिए। तो चलिए किचन में चलती हूँ और रेसिपी को शुरू करती हूँ। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो फुल वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आखिरी तक आप सब भी आराम से बना सकते हैं रेसिपीज को। तो आज का मकर संक्रांति है, तो दोबारा फिर से हैप्पी मकर संक्रांति आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी बिल्ली मौसी भी बैठी हुई। दोस्तों बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारा काम करना है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करूंगी और शुरू करूंगी किचन में, क्योंकि दोपहर का खाना भी बनाना है। सबसे पहले तो पीठा बना लूंगी। बेटी फिर पूजा पाठ कर लेगी, तो मैं किचन में संभालती हूँ, पूजा पाठ कर लेगी। तो चलिए शुरू कर। तो दोस्तों चलिए रेसिपी को शुरू करती हूँ। आज की ब्लॉग पर है दूध पूली पीठा और बहुत ही यम्मी एंड लाजवाब है। तो चलिए आज का ब्लॉग फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है आप सबको। ये पार्टी सप्ताह पीठा है दोस्तों, तो बहुत ही आसानी से बन जाती है। आई होप आप सब भी अच्छे से बना सकते हैं। तो वेलकम टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब? तो बने रहिए, रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों। हैप्पी भी हो दोस्तों आप सबको, हैप्पी लोरी। तो नारियल यहाँ पे हो गया हमारा तैयार, हमने इसे कोर लिया है। अब इसकी बहुत कुछ बनेगी, पीठा वगैरह बनेगी और भी क्या क्या मिठाई वगैरह बनेगी, बाद में मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो ये हो गया मेरी जो नारियल, बेटी ने कर दिया है। तो यहाँ पे कढ़ाई पे हो रही है गर्म पानी, तो इसमें बनाऊंगी। और यहाँ पे ब्लैक टी बनाई हुई है। तो अब मेरी है मॉर्निंग, अभी मैं उठी हूँ थोड़ी देर पहले, बस फ्रेश हो गई हूँ। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करती हूँ। पानी मेरी उबल रही है, तो इसमें जो है मैं चावल का जो मैं पीठा बनाऊंगी, वो पीठा का जो डो बनेगा चावल का पाउडर से, जिसके लिए मैंने अभी पानी उबाला है। इसमें मैं अभी नमक दूंगी। और यहाँ पे हमारे बन रहे हैं ब्लैक टी बन चुकी है, अदरक जिंजर वाली पेपर वाली। और यहाँ पे मैंने रखा है नारियल को करके, तो नारियल का कोर बना के रखा है। दो नारियल था बड़ा बड़ा, उसका नारियल का मैंने एक करके रखा है। ये हस्बैंड लाए हैं अचार के लिए, तो बाद में देखती हूँ। ये जलपाई है, इसका अचार बनाएंगे बाद में। तो चलिए शुरू करती हूँ अभी बनाना। गुड़ बोलते हैं इसको, ये मॉम दिया था कोलकाता से। तो यहाँ पे खजूर का गुड़ है और यहाँ के जो चावल का आटा है ये, तो अभी इसी से पीठा बनाऊंगी। जो पानी है वो हमारी उबल चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा को। तो नमक भी हमारी घुल चुकी है, अब इसमें मैं डाल दूंगी चावल का आटा। चलाएंगे अच्छा सा डो एक बना लेना है। गुड़ को थोड़ा सा ऐसे करके मैं काट लूंगी, ताकि जब मैं खीर में दो या तो नारियल का जो पूर में दो, तो ये थोड़ी सी अच्छे से मतलब घुल जाए। ये कोलकाता का गुड़ है, बहुत ही टेस्टी है, नियमी है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे करके स्लाइस करके दूंगी दोनों को, ताकि हमारी जो खीर में हो ये पीठा में हो, तो ये अच्छे से घुल जाए।
को थोड़ा सा पानी में कर दिया था, फिर ढक के रखी हूँ ताकि थोड़ा देर स्टैंडिंग टाइम इसको मिले। तो अभी मैंने चावल को निकाल लिया है, दूसरे पतीले में मैंने शिफ्ट कर लिया है। तब ही इसमें डाल दूँगी जो नारियल जो हमने कोर के रखा है। ये नारियल को इसमें मैं अभी चीनी डाल दूंगी। मैं चीनी और 3 इलायची मैंने डाल दिया है, तो अब इसको डाल दूंगी। और डाल दूंगी थोड़ी सी गुड़। चीनी भी मैंने डाला है और डालूंगी थोड़ी सी गुड़। बहुत अच्छी लगती है ये पीठा। तो सुबह सुबह आज है 14 जनवरी और मकर संक्रांति, तो इसी में ही पीठा बनाए जाते हैं। तो अभी बना रही हूँ, आयु भी वही बना रहे होंगे। हमारी पिघल चुकी है, नारियल भी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे आधी बन चुके हैं। आप इसमें कुछ सामान्य और ऐड करती हूँ। इसमें मैं देसी घी ऐड करूँगी, जो मैंने खुद बनाई है देसी घी, वो मैं ऐड कर दे रही हूँ। और यहाँ पे डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी सब में। बहुत ही टेस्टी एंड गेमी बनेगी, तो मैं मिला के आपसे मिलती हूँ। तो हमारी अभी जो है पूर है वो नारियल का बन चुकी है। अब हम इसी कढ़ाई में हम पीठा भी बनाएंगे, तो मैं इसमें उतार लेती हूँ, तब तक ठंडी भी हो जाएगी। तो पूरा मैंने दूध डाल दिया है इसमें, हमारी है पूरा 2 लीटर दूध है। अब इसको हम उबालने देंगे अच्छे से। मैंने ये फोकस कर दी। तो आप दूध को अच्छे से उबाल लेती हैं। भी रेडी है और जो चावल का आटा है मैंने यहाँ करके रखी है, तो अभी इसको मस लेंगे। और यहाँ पे हमारी गुड़ भी रेडी है। पार्टी सब का पीठा बनाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मैदा लिया है, थोड़ा सा चावल का आटा लिया है, थोड़ा सा सूजी लिया है, और लिया है शुगर, और थोड़ी सी लिया है मैंने नमक। तो इसको मैं दूध का पतीले में मैं बना दे रही हूँ, तो इसको मैं अभी घोल बना लूँगी, पतला बैटर बना लूँगी, तो इसका भी एक पीठा बनेगा तवे में। तो इसमें नारियल का ये भी डाल के हम बनाएंगे, तो ये दूसरा पीठा है, सेकंड पीठा है ये, पार्टी सबका बोलता है, तो मैं इसको मिलाऊंगी। अभी पानी डाल दे रही हूँ, पहले हिला लेती हूँ, उसके बाद में और चाहिए तो और मैं पानी डालूँगी। मिला के मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे मैंने बैटर बना लिया है, अभी थोड़ा देर इसको 15 से 20 मिनट में ऐसे रख दूंगी, ताकि सूजी मैदा जो है हमारे पूरा फूल जाए चावल का आटा।
चीनी भी घुल जाएगी, तो मैं इसको ऐसे ही मैं रख दूंगी, अभी ढक के रख दूंगी। तो मैंने अभी आटे की मैं लोई ऐसे बना लूंगी, मैं थोड़ा सा आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं अच्छे से मैंने गूंथ लिया है, पूरा मैंने गूंथ लिया, मैं ढक के रख रही हूँ ताकि इसका जो सूखा ना हो जाए। और मैंने थोड़ी सी अभी डो बना के उसके बाद में मैंने गोल गोल कर लिया है, थोड़ा सा इसमें चावल के आटे में मैंने ले लिया। अब इसको ऐसे करके बड़ा कर लेना है, तो देखिए ऐसे टाइप की बनेंगी। आप कोई भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अभी जो हमारी दूध उबल रही है अब उसमें हम डालते रहेंगे, अभी मुझे ढेर सारी बनानी है, तो तब तक मैं रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बाद में दिखाती हूँ वीडियो को। तो चलिए अभी दूध में डालती हूँ, अभी बन गई है मेरी ये पूली, तो एक एक करके डालूंगी। दूध हमारी अभी उबल रही है तो हम इसको डाल देते हैं। ये अपने आप तैर के ऊपर आ जाएगी।
बाद में मैं इसमें चीनी वगैरह ऐड करूंगी। थोड़ा सा पहले मैं थोड़ा सा हिला लेती हूँ, फिर बाद बाकी डालूंगी। फूल के पूरा ऊपर आ जाएगी अच्छे से। इसे कर रही हूँ, ये बैंगन का मैंने एक टुकड़ा ले लिया, इससे बहुत अच्छे से उड़ जाएंगे पीठा जो है, ये पाटी सेक्टर पीठा हो रहा है। अब मैं बैटर को डालूंगी। आप बड़े छोटे आकार में आप कर सकते हैं, मैं मीडियम साइज की बना रही हूँ। और इसको लो आंच पर करना है, ज्यादा आंच नहीं देना है। अब जैसे हमारा पीठा सूखने को आ रहा है तब हम इसमें डाल देंगे पूर। बहुत ही आसानी से सुंदर से उड़ जाते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये उठ गया है। थोड़ा सा हम इसको सेक लेते हैं अच्छे से। तो हम ऐसे करके सबको बना लेते हैं एक ही साथ में। चीनी डाल रही हूँ अभी मैं, नारियल मैंने डाल दिया है और अभी मैं चीनी थोड़ा डालूंगी, फिर खजूर का गुड़ डालूंगी। तो थोड़ा सा चीनी भी डालती हूँ। अच्छे से सॉफ्ट हाथ से आपको हिलाना है, ज्यादा आपको करछी नहीं चलानी है, नहीं तो टूट जाएगी। तो जैसे चीनी हमारी पिघल जाएगी तो हम धीरे धीरे गुड़ को भी ऐड करते जाएंगे। तो देखिए हमारा जो पीठा है ऊपर आ चुकी है क्योंकि ये सीज चुका है।
बॉयल हो चुकी है इसलिए ऊपर अपने आप आ गई है। तो अब धीरे धीरे मैं हर चीज़ डालती जाऊंगी। गुड़ को मैंने काट के रखी हुई है थोड़ी सी चाकू से, तो ये मैं डाल दूंगी जैसे थोड़ी सी अच्छी से उबल आ जाए हमारे पीठा पर। तो है ये उबल आ चुकी है अच्छे से, तो और तैरने भी लगी है अभी जो हमारी पीठा है। तो अब धीरे धीरे मैं बनाते जा रही हूँ, अभी यहाँ पे रखते जा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे से और आसानी से हमारी जो पीठा है वो पूरा तैयार बस हो गई है, थोड़ी सी और बाकी है। उसके बाद में खाना वगैरह में मैं ध्यान दूंगी, पहले पीठा का जैसे क्लियर हो जाएंगे तो पूजा पाठ होगी सबसे पहले। तो तिल जो गुड़ होता है, तिल गुड़ हम लोग खाएंगे। दही चूड़ा भी खाती हूँ, तो दही चूड़ा देखती हूँ अगर खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो पीठा खा लेंगे। तो हमारे अच्छे से उबाल आ चुकी है अभी, तो डाल देती हूँ इसमें मैं गुड़। तो अभी गुड़ मैं डाल देती हूँ धीरे धीरे। तो हमारी इसमें भी अच्छे से उबाल आ चुकी है। खजूर का गुड़ बहुत ही टेस्टी होता है और कलर भी इसका चेंज हो जाए। तो अब मैं और बाद में डालूंगी अगर फिर से ज़रूरी होगी तो, मैं इतना भी इसमें रख दे रही हूँ। तो बाद इसको मैं धीमे आते तो मैं इसको मैं धीमे धीमे हाथ से मैं हिला रही हूँ। अपने आप गुड़ पिघल जाएगी और इसमें रंगत आ जाएगी, जो गुड़ की एक रंग होती है, इसी यही खासियत है। मैं धीरे हाथ से मैं हिलाऊंगी जो हमारी गुड़ है, रंग अपने आप गुड़ पिघलते रहेगी और रंग भी आते रहेगी। देखिए गुड़ पिघल रही है और बीच बीच में रंग भी आ रही है। इलायची डाल दूंगी थोड़ा सा, इसको फाड़ के मैं डाल देती हूँ। अपने ही देने से भी होता है क्योंकि हमारा खजूर का गुड़ है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। तो हमारा ऑलमोस्ट पीठा तैयार है, थोड़ा सा फाड़ के मैं निकाल के दे रही हूँ ताकि जो खुशबू पीठा में बहुत ही अच्छे से आए। तो देखिए हमारी पीठा है बिल्कुल तैयार, थोड़ा सा और हल्का सा पकाऊंगी बस। तो हमारी पीठा बिल्कुल तैयार है, कैसा लगा दोस्तों बताइएगा ज़रूर। और आप सब घर में आसानी से बना सकते हैं, बंगाली पीठा है ये, दूध पीठा बोलते हैं इसको, ये बंगाली पुली पीठा, दूध पुली इसको बोलते हैं, दूध में बनते हैं, खजूर का गुड़ से बनते हैं। तो दोस्तों बन गई है हमारी रेसिपी, दोस्तों आज मकर संक्रांति का मैंने आप सबसे मैंने पीठा शेयर किया। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कैसा लगा आप सबको। तो अभी पीठा वीठा वगैरह बनाना हो गया है, तो अभी मैं बैठी हूँ आराम कर रही हूँ, बाद में मैं पीठा वगैरह खाऊंगी। अभी तो बहुत गर्मा गर्म है, तो मैं आप सबसे शेयर किया, बहुत दिल था कि मकर संक्रांति का मैं कुछ बना के आप सबसे शेयर करूँ। तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा, ठीक है। और अच्छे लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, और आई होप आप सब मेरे साथ में हमेशा बने हुए रहते हैं, मैं जानती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइब एंड व्यूवर्स हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे मतलब जो अभी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद में बेल बटन पर जरूर हिट कीजिए ताकि जो मेरी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो आज का बस वीडियो बस मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय, सी यू अगेन, हैप्पी मकर संक्रांति।